कुर्सी पर तेजस्वी जी बैठेंगे तो दूसरे नंबर का कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा बैठेंगे। अगर सीएम के कुर्सी पर तेजस्वी बैठते हैं तो डिप्टी सीएम के कुर्सी पर किसी अति पिछड़ा को बैठना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये तमाम बातें कहनी है वीआईपी सुप्रीमो और बिहार में सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी की। आपको बताया तो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है, 13 तारीख को वोटिंग होगा और अब उपचुनाव को लेकर के तमाम प्रचार प्रसार के शोर जो है वो थम चुके हैं और आज इसी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तो वो नीतीश कुमार पर खूब गरजते हैं, बीजेपी सरकार पर भी खूब गरजते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ बिहार को लेकर के एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया और ऐलान करते हुए उन्होंने यानी मुकेश सहनी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यानी सीएम की कुर्सी पर अगर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर किसी अति पिछड़ा को बैठना होगा यानी हम बैठेंगे। तो देखिए, खुद को डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, किस तरीके से उन्होंने एक तो नीतीश कुमार पर हमला भी किया, प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने राजद के तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे और साथ ही साथ खुद के लिए और तेजस्वी के लिए क्या ऐलान किया है मुकेश सहनी ने। विधायक अजीत सिंह जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं मुन्ना तिवारी जी विधायक जी, विजय मंडल जी, शिवनाथ जी विधायक जी, सुषमा पासवान जी बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंद्रदेव बीन जी, अभिभावक भोला यादव जी, सकुन राम जी, सुशील कुमार जी, शिवदास बिंद जी, जयंता बिंद जी, संजय चौधरी जी, सुरेश बिंद जी, विजेंद्र राजेश बिंद जी, गुप्ता नाथ जी, राजकिशोर चौधरी जी, राम बिंद जी, केशव चौधरी जी, अमन चौधरी जी, संतोष चौधरी जी, गौतम चौधरी जी, चंदन बिंद जी, मुसाफिर बिंद जी, तुलसी बिंद जी, वीरेंद्र बिंद जी, राकेश बिंद जी, गुरु चौधरी जी, अजय बिंद जी, सुधीर बिंद जी, वैष्णव बिंद जी, राकेश केवट जी, पप्पू केवट जी, तेजनंदन बिंद जी, प्यारेलाल जी, कपूरी चौधरी जी, रामकृष्ण चौधरी जी, भरत बिंद जी, राठी बिंद जी, मंजू घोष जी, बच्चालाल मिश्रा जी, भाई चौधरी जी, और बड़े संख्या में यहाँ पे नौजवान साथी माता बहन सभी को सना पंडा मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम साथी। और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, संयुक्त महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आप सभी से अपील करने के लिए आए कि मजबूती से भाई अजीत जी को यहाँ पे चुनाव जिताइए, लालटेन पे बटन दबाकर इनको विजय बनाने का काम कीजिए। साथ ही ये चुनाव है और एक हिसाब से कह दीजिए तो ये टेस्ट मैच है। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं ना? निश्चित तौर पे इस चुनाव को जीतना पड़ेगा साथियों, इस चुनाव को जीतना पड़ेगा। 2025 में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पे अगर एक नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी जी बैठेंगे तो दूसरे नंबर का कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा बैठेंगे। पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, आप सबसे अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग घूम घूम कर काम कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है प्रचार का, हर गांव में, हर परिवार में एक एक बूथ पर आप लोग चुनाव जीतने का काम कीजिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है या इंडिया महागठबंधन
बंधन हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, और जो एनडीए वाले हैं उसका क्या काम है साथियों। आप लोगों ने संघर्ष करके आपने पार्टी बनाकर बिहार में चार विधायक बनाया, आपने मुख्यमंत्री को बिहार में बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया उस सरकार से आपको बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया साथियों। ये समय आ गया है आपको हमको बदला लेने का साथियों, आपको हमको बदला लेने का। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हो रही है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को आगे लेके जाने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों मजबूती से हम लोगों को ये मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। इसलिए तमाम हमारे आने वाला समय कल हमारा होगा, तो यही सब कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।